देव्यो ओम नमः सिद्धये ओम नमः सिद्धये। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयानं नमो वज्रायानं नमो लोये समसाहूनं। मंगलमय मंगलकरण भीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते गए अरिहंताधिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पदला। आइए पेज नंबर 72 लिखा हुआ है मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तीसरे अधिकार की शुरुआत में खोलना मत, बोली दे रहा हूँ। तीसरे अधिकार की शुरुआत में लिखा था संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। हेडिंग है तीसरे अध्याय का, संसार का दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। इसके पहले तक मोक्ष दुख संसार के दुखों का निरूपण किया है, बराबर है। अब यहाँ पर आकर के ज्यादा प्रशंसा मैं नहीं करूंगा, आप कर लेना, समझते हो इसलिए नहीं करना चाह रहा रिपीट। इतना सुंदर विवरण मेरे को अन्यत्र पढ़ने को नहीं मिला, संसार के दुखों का वर्णन और मोक्ष सुख का वर्णन भी कितना प्यारा किया है, बिल्कुल MRI रिपोर्ट। MRI तो समझते हो, एकदम सूक्ष्म एनालिसिस यहाँ देखने को मिलेगा अपने को। ज्यादा करणानियों का प्रयोग ना करते हुए भी टोडरमल साहब आवश्यक करणानियों का प्रयोग करते हुए, अध्यात्म का प्रयोग करते हुए दुख और सुख की सिद्धि कर रहे हैं। ये एक अद्भुत विशेषता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि छायोपमिक भाव का वर्णन, छायोपम लब्धि का वर्णन, तो आपने पढ़ा होगा कभी। तो करणानियों पर इतना चला गया कि अपने पल्ले ही नहीं पड़ता, कुछ रटना पड़ता है। छायोपम क्या होता है, फिर लब्धि क्या होती है, फिर फला क्या होती है, फिर क्या क्या हो जाता है, वो अपने पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन इतनी सुग्राह्य भाषा में टोडरमल जी सामने लिखा है, इसकी अद्भुत विशेषता है। तो आप, मैं आपके बीच में इसलिए ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब जानते हैं कि टोडरमल जी अद्भुत काम करके गए हैं। आइए संसार के दुखों का वर्णन कितना अच्छे तरीके से किया है, आप और जगह मिलान करके देखना क्या ऐसा कहीं मिलता है आपको। चार प्रकार की इच्छाओं की भी चर्चा करी, कर्म के उदय की तरफ से भी चर्चा करी, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी का घटा के दिखाया, आठ कर्म का बताया, बहुत सुंदर वर्णन। आइए अपन मोक्ष पे सीधे सीधे आते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, ये पढ़ेंगे इसमें अपन। मोक्ष सुख कहते ही समाज का सबसे पहले नजर जाता है वो मोक्ष। ये हमें ध्यान रखना है कि यदि उधर देख करके समझोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यदि मोक्ष के नाम पर द्रव्य मोक्ष ही आपको याद आता है, द्रव्य मोक्ष समझते हैं ना, यदि द्रव्य मोक्ष याद आता है और यदि वो क्षेत्र स्थान विशेष याद आता है तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूं मोक्ष आपको पहले पढ़ाया है, याद होगा आपको पिछली बार आया था। मोक्ष मोक्ष कैसे बनाए, मोह क्षय। मोक्ष कैसे बनाए, मोह क्षय। तो मोह क्षय और उसकी प्राप्ति माने मोह क्षय करने का उपाय, बराबर। आई पढ़ते हैं अपन, क्या करते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति, पहली पंक्ति देखिए आप। अब मतलब इतना कहने के बाद, इतना तीसरा चैप्टर इतना लिख देने के बाद, नाना प्रकार से दुखों की सिद्धि कर देने के बाद, अब आपका मतलब समझिए, आपका मतलब है इंटरलिंक करना है। अब कब लिखा जाता है, कभी भी आप लिखो, हाँ तो अब बोलो आप क्या करना है। तो इसके बाद पहले आप बहुत कुछ कह चुके हो, अब बोलो क्या करना है, फाइनल बोलो, बहुत बात हो गई। तो अब हमें इंटरलिंक करना है हमको पहले से। इतना कहने पर मतलब तुझे ये तो हमने समझाया कि संसार का दुख है, चार गति का दुख है, चार कसाय का दुख है, आठ कर्मों का दुख है, इच्छाओं का दुख है, नाना प्रकार से समझाया। यदि आप प्रवचन करते हैं जिस तरह से, तो अपन इस तरह से कहोगे, आप कहते ही हो
एक मरीज एक रोगी वैद्य के पास गया और उसने उसको पूरे लक्षण से बता दिया तुम्हें कैंसर है और 2 महीने में मर जाओगे और तुम्हें देखो 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, बोलो 1 साल पहले ऐसा हुआ होगा, पक्की बात है। और फिर एक बार ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा और यहाँ दर्द होता होगा ऐसा, मतलब ऐसे उसने पूरे लक्षण बताए। तो रोगी के पूरे लक्षणों का वर्णन वैद्य ने किया वो आगे 71 पेज तक। तो घबरा गया और उसे कंफर्म हो गया कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसका मतलब मुझे कैंसर है, क्योंकि आपने जो लक्षण बताए 2 साल पहले मुझे ऐसा हुआ था, 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, 15 दिन पहले ऐसा हुआ था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने सही पकड़ लिया। तो अब तो अब इलाज सुनो। वहीं समझ आया कि नहीं? डॉक्टर रोगी के सारे वर्णन करने के बाद जब वो मरीज कंफर्म कर लेता है कि आपने सही रोग पकड़ा, अब तो आप इलाज बताओ किसका ना मोक्ष सुख। कायदे से तो मैं पूरे चैप्टर पढ़ाऊं तब आपका मतलब समझा पाऊंगा, लेकिन इतना तो अपने पास समय नहीं कि आपका मतलब समझाने के लिए मैं 71 पेज तक पढ़ाऊं। जो लोग इंटरेस्ट रखते हो, समय हो, तो आप इस एंगल से पढ़ करके देखना कि इतना जानने के बाद एकदम उसको कंफर्म हो गया कि हाँ, 4 प्रकार की इच्छाओं का दुख है, दर्शन मोहिनी का दुख है, 4 मोहिनी का दुख है, इसका दुख है, जो आप कह रहे बिल्कुल सही। आप चाहो तो इसका अंतिम पेज देखिए, इसी का अंतिम पेज मतलब चैप्टर का 75 पेज, एक झलक केवल दिखाएंगे आपको। अब यहाँ उपदेश देते हैं, है लिखा है, हे भव्य, हे भाई। अब ये पुराने हाफ चैप्टर के पहले वाली बात, मोक्ष सुख से पहले वाली बात, तुझे जो संसार के दुख बतलाए, मैंने 71 पेज नंबर तक की बात, अब जो तुझे संसार के दुख बतलाए सुबह तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। 71 पेज तक की बताए, बोलो 4 प्रकार की इच्छा तुम्हें पकड़ में आती है, 8 कर्मों का दुख समझ में आता है, आता है। तो प्रश्न बीते हैं या नहीं वह विचार, और जो तू उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में कल परसों कर लेंगे, झूठा बतलाया। अब पढ़ना कहां कहां झूठा बतलाया, ये ज्ञानवर्णी कर्म के दुख को दूर करने के लिए, मैंने है तो मोहिनी का दुख, उसे दूर करने के लिए क्या करना करता है वह पकड़ना, इसमें से अपन देखेंगे पढ़ करके। अभी जो तू झूठे उपाय करता है वो बतलाया, सो ऐसे है या नहीं व्यविचार, तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं। इस पर मुझे रुकना है 1 मिनट तो कम से कम। सिद्ध पद प्राप्त होने पर तुझे सुख होता है या नहीं उसका तू विचार कर, जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो। प्रतीति पे रुकना है मुझे, तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं, कैंसर मिटाने का, बोलो बोलो, हम जो उपाय बताते हैं वह कर, विलंब मत कर। वह उपाय करने से तेरा अकल्याण होगा, है क्या होगा, कल्याण होगा। अब 2 शब्द रह गए, एक तो प्रतीति, जिसके लिए मैं मेहनत करूंगा इस पूरे चैप्टर में, प्रतीति के लिए, और मोक्ष में सुख हो तो। अब इसे भी प्रूव करेंगे यहां पर। आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं। मैं अशोकनगर में 10 लक्षण पर्व में गया था, तो युवाओं के जुड़ जाने के बाद आखिरी दिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरे को, मां मैंने 7 तक की कक्षा ली थी 10 लक्षण पर्व में, तो मुझे वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो एकदम जनरल क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से भी किसी का होना ही चाहिए, हो सकता है आम पब्लिक जो स्वाध्याय गहराई से नहीं करती है उनको वो क्वेश्चन हो सकता है, तो आप सब में से भी कईयों को ऐसा हो सकता है। मैं हाथ तो नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन बताता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता मोक्ष में क्या क्या सुख है, उसकी भाषा बोलूं, बहुत खराब भाषा बोली थी उसने, क्योंकि वो तो वैसे विद्यार्थी था, सड़क साफ
उसकी भाषा बोलूं तो थोड़ी खराब है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। पंडित जी एक हुआ था मोक्ष में काय का सुख है, सिर के बल टंगे जाओ। अनंत सिद्ध भगवान काय के बल पे टंगे। बोलो ना काय के बल पे टंगे। कब तक? अब ना हिलने के, ना डुलने के, ना खाने के, ना पीने के, ना कपड़ा पहनने के, ना मीठा, ना नमकीन, ना पिकनिक, ना पत्नी, ना बच्चे, मत सुख का क्या? ये क्वेश्चन उसका था। मतलब जब ठीक ऐसा कहना था कि सारे सिद्ध भगवान सिद्धालय में टंगे, उन्हें सुख क्या? तो फिर मैंने तो उसे एक सवा घंटा चलाया था उस विषय को, मैंने प्रूव किया था उसने, समय रहते रहते यहाँ भी मैं प्रूव करूंगा। और जब सात तो पढ़ा के गए थे तो मोक्ष सत्र में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन आज पहले अपन यहाँ से पढ़ेंगे, फिर समय रहते वो वाले जो टॉपिक मैं उठाए थे वो भी उठाऊंगा। तो समझ गए क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? एक बात, अब दूसरी बात कहता हूँ, यहाँ एक बात लिखी है, मोक्ष में सुख यदि तुझे प्रतीति हो, मोक्ष में तुझे सुख भासेगा तो तुम एक गीत गाओगे भागचंद जी की भाषा में, भाग चंद्र शिव लालच लाग्यो, शिव लालच लाग्यो, तब तो तुम ऐसे ललचाओगे मोक्ष हो जाए, कैसे हो जाए, कब हो जाए, एनी हाउ। लालच समझते, लालच एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ मुझे मोक्ष चाहिए। इसका मतलब समझ आया कुछ? वो मुनि बनने तैयार है, उपसर्ग को परिसर जीतने तैयार है, क्योंकि मुझे एट एनी कास्ट मोक्ष जाना है। अभी हम आप किसी से कहें बेटे आप हमसे इलाज करवा लो, 1 लाख की फीस लगेगी, तो आप नहीं करवाओगे, नहीं करवाओ, कौन करवाएगा आपने? कोई नहीं करवाएगा। लेकिन जब लक्षण बता दिए जाने कैंसर है, डॉक्टर तुम्हें बुलाया इधर आओ, तुम्हें कैंसर है, झूठ बोल रहे हो आप, तो फिर उसने बाकायदा सब रिपोर्ट सब निकाल के दिखा दिया आपको कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुमने गलती से ऐसा ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें कुछ हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, क्या क्या फिलहाल स्वाइन फ्लू हो गया है, एक और बुखार कौन सा होता है, दिमाग का बुखार, माइग्रेन हो गया, जो कुछ बुखार नहीं, एक कोई बुखार दूसरा है ना वो ब्रेन, जो भी कुछ। अब बोलो क्या करोगे? बोलो दुकान जाओगे कि चेकअप कराओगे पहले नंबर, और जो इलाज बताएगा वो करोगे? सब त्याग में तैयार हूँ इस दिमाग को ठीक करने के लिए, कैंसर ठीक करने के लिए। आप बोलो 6 महीना मत खाओ तो नहीं खाऊंगा, आप कहोगे शक्कर मत खाओ डायबिटीज है तो शक्कर नहीं खाऊंगा, एट एनी कॉस्ट। इस चैप्टर को समझने के मैं आने के बाद मेरी गारंटी है एक भी व्यक्ति 4 अनियोगों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये अच्छी भाषा है, थोड़ा हल्की भाषा में कहूं तो एक भी व्यक्ति चरणानियों का उल्लंघन करके स्वच्छंद नहीं होगा। एक्चुअली हम रात्रि भोजन कर क्यों लेते हैं, या करना क्यों चाहते हैं, या आलू बक्स खाने में हमारा मन क्यों लग जाता है, या हम और गड़बड़ करते क्यों है? पढ़ लो रे पढ़ लो, काय को मोक्ष, अपन तो भैया डिग्री ले चलो। मैंने अभी भी जब तक हमें मोक्ष में सुख भाषित नहीं होगा, भले फिजिकली हमारी है कि यहाँ संसार में दिन में भोजन मिलता है, अवक्ष नहीं मिलता है, प्रवचन सुनते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भी वो अकेले में स्वच्छंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्वच्छंद? क्योंकि उसे मोक्ष में सुख की प्रतीति हो गई है। मोक्ष में सुख की मतलब मोह के क्षय करने में सुख की प्रतीति हो गई है। अब वो नहीं चाहता ये मोह हो, मोह नहीं चाहता वो, इतनी प्रतीति हो जाएगी तो आप स्वच्छंद नहीं हो पाओगे। इसीलिए सम्यक दृष्टि स्वच्छंद नहीं होता, क्योंकि उसे 7 तत्वों में 9 पदार्थों में मोक्ष तत्व की प्रतीति हुई है। मोक्ष मतलब, हाँ एक बार बोलो जरा, मोह में सुख की प्रतीति, मोह से ही तो दुख था तो उसे मिटाना चाहेगा, बराबर। अब चलो अपन पढ़ते हैं पहली लाइन, अब इंटरकनेक्ट कर दिया अपन ने, जिन जीवों को, सबको नहीं, आपको पता है दिव्य ध्वनि सबके लिए नहीं होती, भगवान की वाणी सबके लिए नहीं होती, तो कौन कौन के लिए होती है?
भव्य जीवों के लिए होती। भव्य जीवों में से भी और थोड़ा बोलो है? हाँ शाबाश, आसन्न भव्य जीवों के लिए। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला बेटे? आसन्न भव्य जीव और भव्य जीव क्या फर्क है? ये कई बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कौन बोलेगा भैया? अच्छे बच्चे में कौन बोलेगा? भव्य जीव और आसन्न भव्य जीव में क्या फर्क है? खड़े होकर बोलो, कौन बोलना, जो भी बोलना चाहे खड़े होकर बोलो, जल्दी अच्छी आवाज, स्पष्ट आवाज में बोलो बेटे, बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। ये तो सबको पता, इससे आगे बोलो, पंडित हो आप। बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है, शाबाश, बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। अब अच्छे से इधर देखो, इधर बहुत सुंदर, अच्छा। अभी आगे इधर मुझे कुछ कहना है, इसमें बहुत बड़ी बात कह दी उसने। बेटी मोबाइल कौन सा बज रहा है? अच्छा पीछे, मेरे बच्चों में तो है नहीं, क्या बात है, लेके बंद कर देना परमानेंट, फिर नहीं बोलने लगे। हाँ ऐसा नहीं रह जाता है। सुनना, भव्य क्यों नहीं कहा, आसन्न भव्य क्यों कहा? आसन्न भव्य के समझ में आएगी, भव्य के भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब नंबर आता है ना तब योग्यता आती समझने की, और जब मोक्ष जाने का नंबर ही नहीं आता तो अंत कोड़ा कोड़ी ना हो तब तो उसे समझ में भी नहीं आती इसकी। जिन जीवों के मोक्ष जाने का नंबर होगा उन्हें समझ में आएगा ये फालतू की बात है, बाकी तो सब खुला है। ऐसे कैसे फालतू, इतने लोग मूर्ख हैं, इतने लोग पागल हैं जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भोग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भैया उसे ही समझ में आएगी जो अल्पकालीन मोक्ष जाना चाहता है, उसे आत्मा दिखाई देगी। अब मैं भव्य क्यों नहीं कहा यहाँ पे कि भव्य जीवों में से सुनोगे, अभव्य से सुनोगे, ध्यान से बेटे सुनना, ध्यान से याद रखना है ना, अभव्य से अनंत गुने भव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभी तक तुम्हें अभव्य की चिंता होगी, अरे हम अभव्य तो नहीं, अभव्य तो नहीं है, अब एक नई चिंता हो गई कि भव्य के कितना कितना कह रहा हूं, भव्य के अभव्य से अनंत गुणी, अभव्य से अनंत गुणी भव्य जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। इससे मैंने बात सीखी करणानियोग से, जो आपसे कहना चाह रहा हूं, इसीलिए मुझे जगत की परवाह नहीं होती, चिंता नहीं होती। जी धर्म, जैन धर्म हो गया ऐसा क्यों कर रहे, जैनी हो गया ऐसा क्यों कर रहे, ये त्यागी हो गया ऐसा क्यों कर रहे, ये पंडित हो गया ऐसा क्यों कर रहे, फला हो के क्यों कर रहे, इनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। मुझे पता है इस देश में रह करके भी यदि वो मात्र भव्य है, आसन भव्य नहीं है, दूरान दूर भव्य है, तो दूरान दूर भव्य अनंत जीव है। कुछ कहा मैंने बेटे? पंचम काल के जीवों को देख करके भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, ये समझ करके। बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं, उनकी बातें सुनकर, उनके औदयी भाव की घटनाएं सुनकर के भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। जैसे हमने कहा बेटा मंदिर आया कर, हाँ सब देख लिए मंदिर वाले, वे पंडित जी, वे त्यागी जी, अबे हम तो अरे बेटा ऐसा ना हो, तुम दूरान दूर भव्य हो। भव्य जीव तो अपना कल्याण करके निकल जाना चाहता है। इसके लिए एक ही दृष्टांत देना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी में 1980 में मैंने अपनी माँ से, जब मैं मार्ग में आ रहा था ना, तब मेरी ये शिकायत थी कि सब शीतलाचार दिख रहा है, शुद्ध खान पान नहीं है, विद्वान ऐसे हैं, त्यागी व्रती ऐसे हैं, क्या करें। पूज्य गुरुदेव श्री के विलय के बाद मुझे पीड़ा थी थोड़ी सी, तो मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया था, वो मैं आपको आपकी भाषा में कह रहा हूँ, आपको आपकी भाषा में। एक जीव भी तरा तो कैसे तरा उसे देखो। आचार्य कुनकुन भी इसी काल में जन्मे हैं, वे कैसे जन्मे? आचार्य अपने पूज्य स्वामी जी वे इसी में से निकल करके गए हैं, वे कैसे हुए? भैया ये भागचंद जी ओसवाल जैन थे, ओसवाल जैन माने श्वेतांबर, उन्होंने कैसे अपना जीवन सही करा? कुछ समझ गए बेटे? परिस्थितियों की शिकायत मत कर, दूसरों की ओर देखने से बेस्थिथिल है, भ्रष्ट है, उन्हें देख करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि कोई नहीं सुधरे, नहीं समझे, तो अपन ये समझो उनका काल नहीं आया होगा, लेकिन रास्ता यही है,
एक होय त्रण काड मां परमारथ नौपन, ये कही है। अपने समझ में आ गया, अपन खुशियां मनाओ। मैंने एक सेकंड भी दूसरों को देख करके समय खराब नहीं करना। आप ऐसे कितने विद्यार्थी, आप नए नए हैं, आप ऐसे कितने विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, पंडित जी हमारे इस मंदिर में ऐसा होता है, हमारे पिताजी को धर्म की रुचि नहीं है, फला काम क्या करें, उनकी शराब कैसे छुड़ाएं, उनकी सिगरेट कैसे छुड़ाएं, उनके आलू कैसे छुड़ाएं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, 5 साल पढ़ने के बाद किसी का छुड़ाने के चक्कर में अभी मत पढ़ो, पहले अपन छूटने के चक्कर में पढ़ो। इतनी जल्दी आप मत सोचो कि हम बहुत समझ गए हैं और सब होने चल, पहले अपना काम करो। हो सकता है अभी आप ज्यादा दिमाग लगा के उन्हें 2-4-5 लोगों को छुड़ा दोगे, लेकिन तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आई तो कोई फायदा नहीं। और तुम्हें आत्मा समझ में आ गई, एक केवली असंख्यात नहीं तो लाखों करोड़ों जीवों के लिए निमित्त बन सकता है। आप केवली बनने की सोचो, दुनिया के चक्कर मत पड़ो। कई बार हम इसलिए भी गलती कर लेते, बेबी तो कर रहे, बेबी तो खा रहे, बेबी तो रात को खा रहे पी रहे, नहीं उन्हें देख करके अपने आप को नहीं हुआ। दृष्टांत जो मैंने अभी तक नहीं दिया अब दे रहा हूं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता, ये तो फला देश का था, टॉपर था, इतने आगे दौड़ता था, पीछे कैसे रह गया। वो किसी को नहीं देखता, वो केवल अपना टच पॉइंट, वो अपना टच पॉइंट देखता है, पीछे कौन पीछे रह गया आगे रह गया इससे कोई हिसाब नहीं लगाता। वो उसका फोकस एक ही जगह है। ऐसे मुझे आई कसम अपनी मृतवा तत्व को तू भली सन, मुझे मर पच करके अपना हित करना है। ओके चलिए आई, अब अभी तो अपन नहीं खड़े, अब अब जिन जीवों को दुख से, क्या लिखा है, दुख से छूटना हो, बे इच्छा दूर करने का उपाय करो। बे जिन जीवों का अर्थ हो गया, जिन जीवों का आसन्न भव्य जीव, उन्हें समझ में आएगी, इसे उनसे कह रहे दुख से छूटना है, बोला छूटना है तो इच्छा दूर करने का उपाय। अब ये बहुत कठिन लाइन है, यदि इतनी सी लाइन लिखी होती तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने भी बचपन से बहुत सुन रखी है, इच्छा नहीं करो, इच्छा नहीं करो, लेकिन ये कोई इच्छा कैसे नहीं करे, भूख लगे तो रोटी की इच्छा नहीं होगी, बोला कमाने की इच्छा नहीं होगी, बोला माता पिता की सेवा करने की इच्छा नहीं होगी, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होगी, घूमने फिरने की इच्छा नहीं होगी, जिसे कह रहे इच्छा मत करा। बोलो इम्पॉसिबल है कि नहीं ये काम, इच्छा रोकना सरल है कठिन है, बोलो दिल्ली, बोल भैया तेरा भैया तो जोरदार निकला, तू कैसा है, बोल है सरल है, तुम करके बता फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रियली मैं खुद सोच के बोल रहा हूँ ना, इच्छा रोको कैसे रोकोगे, बैठो जरा एक मिनट, ये काम करो तुम लोग, एक मिनट इच्छा रही बैठ जाओ, विकल्प रहे हम मोक्ष दे देंगे, चलो अभी दे देंगे, पंडित जी वो तो अपने बस में ही नहीं, तो कठिन हो गया ना क्वेश्चन, इच्छा मत करो, तुमने तो कह दी इच्छा मत करो, इच्छा दूर करने का, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी लाइन लगी है, आप गलत समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इच्छा मत करो, ये कह रहे इच्छा दूर करने का उपाय करो। इच्छा रोकने के लिए नहीं कह रहे तुमसे, एक पंखा रोकने का उपाय करो मैंने तुमने स्विच ऑफ किया, अब धीरे 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 रुकेगा, हमने ये नहीं कहा तुम पंखा रोक दो, ऐसी इच्छा रोको ये नहीं कहा, इच्छा दूर करने का उपाय करो। तो अच्छा चलो आई एम रेडी, क्या उपाय करें तो आगे पढ़ो, तथा इच्छा दूर तब ही होती है। अब देखो अब विधि बता दी, विधि अभी क्या बोला था, उपाय करो, क्या का उपाय करने के लिए बोला था, इच्छा दूर करने का, तुम अपनी कल्पना मत लगाओ, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा, कमाने की इच्छा, मकान बनाने, तुम अपनी कल्पना मत करो, इच्छा दूर करने का उपाय करो। आई एम रेडी, दूर कब होती है ये पॉइंट, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो, मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, लेकिन अभी हम मिथ्यात्व के साथ कहो तो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो,
और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। थोड़ा सा और पढ़ रहा हूं, फिर इसका अर्थ करता हूं। इसी कार्य का, ओहो बड़ा जोरदार लाइन, इसे रेडिंग से लिखना चाहिए हमें। इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। इसलिए इसी माने इस ही, इसी 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 मतलब माने तुम्हें केवल एक ही काम करना है। इसी इसी माने एक ही काम करना है। मैं बताऊंगा अब इसका अर्थ, इसी का भी अर्थ बताऊंगा। इसी कार्य का उद्यम, प्रयास, फोकस, विचार, चिंतन, निर्णय, प्रतीति, फुल्ली डेवोशन, इसी का मतलब है, इसी का उद्यम करना चाहिए। चलो आगे पढ़ो। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे, तुम्हें रोकना नहीं चाहो, बोलूंगा भी सब अर्थ करूंगा मैं, जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है। अब इसका प्रश्न फिर से कर रहा हूं। विधि क्या बताई? मिथ्या दर्शन ज्ञान माने अज्ञान असंयम, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम, ये दूर हो और क्या हो, कारण कार्य हो गया, एक का अभाव और एक का सद्भाव प्रकट होगा। यहां तक तो सरल है। अभी ध्यान से सुनो, इसी का अर्थ कर रहा हूं, इसी का उद्यम करो, काय का, इसी का उद्यम करो। इसका अर्थ सुनो, तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या उपाय करते हो, भोजन करने का, ये तो कह रहे इसी का उद्यम करो। तुम्हें धन कमाने की इच्छा होती है तो इस इच्छा को रोकने के लिए क्या उपाय करते हो आप, धन कमाने का उपाय करते हो, तो धन कमाने का उपाय, इच्छा रोकने का उपाय है ही नहीं। हम तो कह रहे इच्छा ही उत्पन्न ना हो, ये उपाय करो, और आपने इच्छा की पूर्ति का उपाय किया, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। आपको इच्छा उत्पन्न हुई खेलने की, तो आपने तो इच्छा की पूर्ति का उपाय किया, इच्छा को रोकने का उपाय कहां किया? पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? आपको टेलीविजन देखने में मजा आता है, आता है, इच्छा होती है बार बार, तो आप टेलीविजन देखने की इच्छा को कैसे रोकते हो? तो आप तो पूर्ति का उपाय बोल रहे हो, पॉइंट। पूरा संसार इच्छाओं से दुखी है, पूरा संसार इच्छाओं से दुखी है, वो इच्छाओं से रोकना भी चाहता है, लेकिन रोकने के नाम पर वो इच्छा निरोधस नहीं करता, वो इच्छा पूर्तिस करता है। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? गलती समझ में आई कुछ? टेक्निकली गलती समझ में आई कुछ? कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को दृष्टांत देने? मैं नहीं समझता हूँ विद्वानों के बीच में दृष्टांत देना चाहिए, पब्लिक के बीच में तो देना चाहिए। शॉर्ट में दे दूं, बिल्कुल फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक। आप हम सब पिकनिक करने गए, समझ लो सोनगढ़ गए, समय शिखर जी गए कहीं, सबके सब, और मेरे पास तुम बैठे हुए थे। मेरे पास बैठने का स्पेशल अर्थ ये है कि आपके पास भले चक्कू ना हो, छिलनी ना हो, ना जीरा मन नहीं हो, लेकिन मेरे पास सब चीज रहती है। मेरे पास सबका सामान। तो आपने ककड़ी खरीदी, कहीं अच्छी ककड़ी मिल गई तो आपने ककड़ी खरीदी। अब आपको विकल्प आए, छिलनी तो है ही नहीं, तो आप में पंडित जी जय जिनेन। तो आपने जरा आप चक्कू देंगे, आप जरा छिलनी, जरा जीरा मन, जरा जरा ही होता है, पूरा तो लेते नहीं कोई। तो अब मैंने मना कर दिया, मैंने क्या, भले आप मेरे तीन टाइम प्रवचन सुन रहे थे तीर्थ यात्रा में, भक्ति से खुश हो रहे थे और बार बार पैर भी छू रहे थे, मजा आ गया पंडित, बहुत मजा आ गया। इतने बड़े मजा पे वो दो पैसे के नमक नहीं मिलने से पूरा पानी पड़ गया। बहुत दुखी हो गए आप, काय के पंडित जी, हमारी बुंदेलखंडी सुनाओ इसने, चक्कू का घुर जाता, छिलनी का घुर जाती, और जरा और तीख में हो तो आप क्या बोलोगे पता है? पंडित जी अगले स्टेशन में मैं तुम्हें चार चक्कू दूंगा।
ले लेना कितने चाहिए और कितना नमक चाहिए बोलो, मैं पहुंचा दूंगा आपके पास। आप नमक नहीं दे सकते थे दो पैसे का? मैंने कहा नहीं दे सकता भाई, नहीं दे सकता। तो हम ले लें? नहीं, तुम छुआ भी मत। अब इतनी सी बात की तकरार इच्छा का दोगा ना, इच्छा एक तुम्हें नमक की इच्छा कितना परेशान कर सकती है दो पैसे का, वो बताना मुझे। अब आप भयंकर तो दुखी बने रहे, मैं इधर नहीं देखा गया। फिर दूसरी सीट पर बैठे, फिर तीसरी सीट पर, फिर जहां मिले, फिर पूजा करते समय हम ऐसे पूजा कर रहे थे, हे सीमंदर भगवान शरण लीते। आओ नमक तो छूटत नहीं। मैंने वो लौट फिर करके 10 साल 20 साल 30 साल, अब सब जगह मेरी जयजयकार हो रही, सब मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन जी आदमी वो इतना सा नमक, तुम्हारे बेटा बेटी हो गए 30 साल के, मैं 25 साल 20 साल के, पापा ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी चुप, मोरू नमक कहां तक परेशान कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हो, इसको इसको सुनना बेटी, बहुत गम प्रसाद सिद्धि उपाय जी ने इसको अभिरमण रूप हिंसा कहा है। नमक तो वो दो पैसे का ही था, छिलनी चक्कू तो 2 मिनट की घटना थी, वो लेते कि नहीं लेते, मिला कि नहीं मिला। आप चाहो तो भेद विज्ञान करके अभिरमण को मिटा सकते थे, इच्छा को रोकने का उपाय बता रहा हूं। आप भेद विज्ञान कर सकते, आज अपना उदय नहीं है इसलिए नहीं मिला। पंडित जी तो अच्छे हैं, इतने बढ़िया, नहीं दिया तो कोई बात जरूर होगी। राम अन्यायी नहीं हो सकते, जब सीता को निष्कासित किया तो कोई बात होगी। आप विचार भी कर सकते थे, आप भक्ति का आनंद ले सकते थे, सम्यक दर्शन ले सकते थे, प्रवचन सुन करके बहुत कुछ कर सकते थे, आप असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ा सकते थे, लेकिन एक इतनी सी इच्छा नहीं रोक पाया नमक वाली। वो कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, आप कल्पना करो कितना उसको फैला दोगे आप। बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह वर्ल्ड वाइड मी टू कैंपेन। मी टू कैंपेन सुना? नहीं सुना? चलो नहीं सुना, अच्छा। एक इच्छा रोकने का उपाय। अब सुनो, फिर से सुनना, हमने जो थोड़ी सी बातें बताई हैं उन बातों में छोटा दृष्टांत दिया, ऐसे खूब आप लोग। अब यहां वर्कशॉप की जरूरत है, वर्कशॉप। मैं एक को बुलाऊं, इधर आओ, इसको देखते से तुम्हें कौन सा भाव है? हाँ जी वही है, रात को सो रहा था। सोएगा तो सही रात को। मैंने एकदम आपको कुछ ना कुछ याद आता है किसी को देख करके, इसको देखते जी जी वो क्या है तुम्हें? कुछ नहीं कह रहे पंडित जी, हम कुछ नहीं कह रहे, और 6 महीना है। क्यों क्या हुआ? अब रहन दे बस, सब गंदे लड़के हैं सब। अरे गजब हो गया, हम कह रहे हीरा गटर में पड़ा है तो हीरा गंदा नहीं हुआ, इनमें तुम्हें भगवान आत्मा नहीं दिख रहा, भाभी विद्वान नहीं दिख रहे, भाभी आचार्य उपाध्याय साधु नहीं दिख रहे, भाभी अरंग सिद्ध नहीं दिख रहे। ये क्या हुआ क्या यार? बेटे भेद विज्ञान के बिना अविरमण नहीं मिटती, और छोटी छोटी गंदी बात को मेमोरी में रखने के बाद उसका पुण्य का उदय होगा। 10 साल बाद भी मिलोगे, हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे, उस गांव में भी वो तुम हो और कोई नहीं है, तो हो सकता है तुम उसे घर ले जाके भोजन भी करा दोगे, लेकिन वो नमक यहीं पड़ा हुआ है। वो तो हमने भोजन करा दिया, एहसान कौन पूछता नहीं था, हमने अपने घर ठहराया था इनको 3 दिन, भोजन कराया था भैया, उसने पुण्य का उदय से किया था, लेकिन तुम्हारा नमक अभी तक खड़ा है। पॉइंट पकड़ में आया? अभी रमन रूप हिस्सा समझ में आई बेटे? इच्छा रोकने का पहला उपाय कौन बताएगा? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम नहीं बताए, ये तो हमने इच्छा की भयंकरता बताई। एक छोटी छोटी इच्छाओं में मेरे तो हम करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, आपकी मम्मी और चाची में 20-20 साल पुरानी प्रागभाव नहीं कर पाए। भैया क्या बताएं बेटा, जब हम जा घर में आए थे। नहीं नहीं सुनने मिलती आपको रामायण पुरानी? मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही है, ये जो प्रवचन है ना, प्रवचन वर्ल्ड वाइड सुनना चाहिए लोगों को,
भारत और पाकिस्तान में आजादी के समय वाले सब मर गए होंगे जिन्होंने हत्याकांड किए थे, खून खच्चर किया था पूरा, बहुत कुछ, ये सब मर गए होंगे और बचे होंगे दो चार सी बेबी चले जाएंगी। लेकिन लेकिन आज तक सदियों पुरानी घटनाएं भाई, इस्लाम को लेकर के भाई, मोहम्मद साहब को लेकर के भाई, गुरु गोविंद सिंह को लेकर के, अपन भी दिगंबर श्वेतांबर गिरनार को लेकर ये भैया युद्ध करने वाले, लड़ने वाले, मुकदमा करने वाले तो मर भी गए होंगे। बाबरी मस्जिद के चक्कर में 400 साल हो गए, कितनी पीढ़ी मर गई होंगी। लेकिन ना हमारी मूछ का बाल बना रहो, खड़े रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। बात हमें उनके नहीं कहना है, हमें तुमसे कहना है। इतना वर्ल्ड वाइड भी हो गया इसमें, बताओ तुम इच्छा रोकने के लिए क्या करोगे? हमें तुमसे पूछना है तो मैं अब बता देता हूँ, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। मिथ्यात्व, सबसे पहले मिथ्यात्व रोके बिना अविरमण नहीं रुकेगा। मिथ्यात्व रोके बिना तुम्हारी जो इच्छाओं का जो लंबाई है ना, ये कभी नहीं रुकेगी। तो सर मिथ्यात्व, हाँ सुनना ध्यान से, मिथ्यात्व मतलब, मिथ्यात्व मतलब जो तुम जानते हो, मुझे पता ही है सबके बारे में, आप सब जानते हो। अभी मैं इसका अर्थ करता हूँ। मिथ्यात्व का मतलब है आत्मा को जानने पर नमक में सुख बुद्धि का त्याग। जब नमक में मेरा सुख नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा दर्शन नहीं है, नथिंग, समय सारी परमागम में नास्ति सर्वोपि संबंध, इसके बीच में मेरा कोई अत्यंता भाव है। अरे अधिकार दो पैसे का नमक कहाँ गई, कहाँ से आ गई ककड़ी बीच में? दो भावी सिद्धों के बीच में इतनी तकरार हो गई, 20 साल 50 साल 25 साल कसाय हो गई, वो जो कसाय में कर्म बंधे होंगे। हाँ आपको पता है, बहुत बेराग का समाचार बताऊं आपको? आपने पार्श्वनाथ पुराण पढ़ा बच्चों ने? पढ़ लेना पार्श्वनाथ पुराण, 24 में से पढ़ लेना महापुराण में से, ठीक है? मैंने उसे पढ़ा तो मुझे क्या बैराग आया मैं आपको बता रहा हूँ। दो भाई थे, पता ही है आपको, वायुभूति मरुभूति दो भाई। बड़े भाई की परिणाम खराब हुए छोटे भाई की पत्नी पर, फिर सब मालूम ही आपको आगे। इस कहानी को गौर से पढ़ना, इस कहानी में वो पत्नी का रोल उतनी सी देर का ही है बस, जितनी देर लिखा गया है, दो लाइन तीन लाइन एक लाइन बस उतना ही लिखा गया। इसके बाद उस पत्नी का क्या हुआ अगले भाव में, ये कहीं खत्म। वे बॉडी जिस बॉडी से पाप किए थे वो बॉडी वहीं जलकर राख हो गई कमट के जीव की। वो पत्नी का क्या हुआ जिसके वजह से इन दोनों भाइयों में इतनी झगड़े हुए, वो कहां गई पता ही नहीं लगा पूरी स्टोरी में, पूरे पुराण में वो कहां चली गई जिसकी वजह से इतना हुआ। और जे भाई साहब तो मनाने गए थे, वो अविरमण कैसी बैठी रहती होगी अंदर, 10 भाव का सके थे कुछ। मैंने क्यों कहा, इतनी छोटी सी बात ही तो हुई थी वो, ऐसे आपको पता नहीं लगता पर में सुख बुद्धि से अविरमण कितना होता होगा। आप नमक में सुख बुद्धि का त्याग करके देखो, झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। क्यों, जिसमें हमें सुख नहीं लगता हो उसके लिए विवाद काहे का, मुकदमा काहे का, झगड़ा काहे का, लड़ाई झगड़ा काहे का? ये एक सेकंड में समाधान हो सकता है यदि सुख बुद्धि चली जाए। नाम बोलो, प्राग भाव। कितनी देर लग नहीं, बोलो प्राग भाव में बोलो बोलो भैया, प्राग भाव हो जाए तो कितना आनंद हो जाए। लेकिन नहीं समझ में नहीं आती वो बात, पहली बात। अब तुम समझ में आ रही हो, इच्छा रोकने के लिए पहला नंबर क्या है, सुख बुद्धि का त्याग, कर्ता बुद्धि का। नहीं समझ में आया कुछ? एकत्व की इच्छा होती है, एकत्व एकत्व के कारण इच्छा खड़ी होती है, कह रहा हूं एकत्व के कारण इच्छा खड़ी होती है, ममत्व के कारण इच्छा खड़ी होती है, कर्तत्व के कारण इच्छा खड़ी होती है और भोगतत्व के कारण। चारों तो आप लगा लेंगे, विद्वान है आप, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, वही वाला घटक दिखा दे रहे बोलो। मेरे को एकत्व है इस स्मारक से, तो स्मारक की कोई बुराई करेगा तो मुझे आग लगेगी, मिटा देने की इच्छा होगी, डांटने की इच्छा होगी, समझाने की इच्छा होगी, कहने की इच्छा होगी, उसका विरोध करने की इच्छा होगी। जितना एकत्व, एक दृष्टांत तुम बनाओ, बनाना हो तो चलो हम बता दे, दृष्टांत हम बना दे। बोलो भाई आपकी रुचि क्रिकेट टीम में है कि नहीं, क्रिकेट की रुचि है कि नहीं, बोलो जल्दी। है सबकी,
जिसकी जिसमें हॉकी में हो तो हॉकी में होगी, फुटबॉल तो फुटबॉल में होगी, अभी हम क्रिकेट ले ले रहे, सरल पड़ेगी आपको चीज। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, तुम्हें आ गई तो मुझे बता देना, क्रिकेट की टीम हारती है उसमें 11 इंडियन हारते हैं कि तुम सब हारते हो? मेरा प्रश्न समझ नहीं आया, 11 इंडियन हारते हैं कि तुम हारते हो? तुम्हारी क्या गलती है उसमें हारने में? अरे बोलो बोलो ना। अच्छा वे जीत जाते हैं तो तुम्हें कुछ मिलता है? नहीं मिलता। वे हार जाते हैं तो तुम्हारा कुछ जाता है? नहीं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन? अरे बोलो ना, कुछ नहीं। सुनो, वे जीतते हैं तो भी तुम्हारी लाइट जाती है, मैंने बिजली चलती है, और यदि दुकानदार हो और ज्यादा रुचि लग गई तो दुकान का ग्राफ चला जाता है। चौके छक्के पड़ रहे हों, सेठ जी जल्दी करो मेरी गाड़ी निकल जाएगी, तो और कहीं से ले लो यार तुम, हाँ धोनी मार रहा है, बहुत हालत खराब है, उतनी देर की पढ़ाई लिखाई खराब होती है, 3 घंटा 6 घंटा जितने तुम देख रहे हो, और 3-6 घंटा खराब नहीं होती तो मूड खराब होता है, फिर तो भोजन नहीं कर पाते, इतने में किसी ने कह दिया धोनी की हंसी उड़ा दी, और धोनी तुम्हारा फैन, मैं तुम उसके फैन कोहली के तुम फैन भाई साहब कोहली यहां लिखा है कोहली फिर रात को पढ़ने बैठे, अरे और इतना बढ़िया इस बार अपन फाइनल जीत जाते हैं वर्ल्ड कप, क्या करें धोनी नहीं चला यार, ये या खुदा ये महावीर। एक बार वर्ल्ड कप हुआ था ना, वर्ल्ड कप तो उसमें फाइनल में आ गए थे कि नहीं आए थे पता नहीं, सेमीफाइनल में आ गए थे पाकिस्तान के साथ किसी, तो पाकिस्तान में ऊंट काटे गए थे सेमीफाइनल जीतने के लिए, ऊंट की बलि दी गई थी, और भारत में भी सब खूब चल रहा था, बहुत प्रोपेगंडा चलता है आजकल, तो जैनी लोगों का ग्रुप, जैनी लोगों का ग्रुप उस दिन उन्होंने सामूहिक पूजन रखी स्पेशल जिन मंदिर में जाकर, और बाकायदा बोर्ड पे लिखा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीतने के लिए स्पेशल सामूहिक पूजन की जाएगी फिर उसमें अर्घ चढ़ाया गया फलम प्राप्तम के स्थान पर क्या गजब आपको पता है कि इतनी सारी इच्छाएं और मिसगाइड कौन कर रहा है, इतनी मिसिंग क्यों हो रही है ये सारी? क्योंकि तुम्हारा क्रिकेट में एकत्व है, क्योंकि इंडिया में तुम्हारा एकत्व है, फुटबॉल में तुम्हें पता भी नहीं है कौन सी वो चल रही है उसकी रैंकिंग, मेरे ख्याल से तो फर्स्ट 50 में भी नहीं होगी, तुम्हें पता है? बता फुटबॉल में इंडिया की वर्ल्ड वाइड कितनी रैंकिंग है? 95 लगभग 99 जो भी तुम्हारी हो गया, फर्स्ट 10 में कोई पूछा नहीं, और अभी क्या क्रिकेट में टॉप 10 में से निकल के सेकंड थर्ड में आ जाए तुम्हें क्या हो गया? पंडित जी आप समझते नहीं हो, मार्च के समय में यदि अपन टॉप पर होते तो इतने करोड़ डॉलर मिलते हैं, इतने मिलते हैं और 2 अंक से चले गए, और तेरा क्यों चला गया भले आदमी, तेरी तो बिजली जाती है, पढ़ाई जाती है, फोकस जाता है, कैरियर बिगड़ता है, लड़ाइयां होती हैं, मूड खराब होता है, खून जलता है, इतने नुकसान तो मैंने गिना दिए और भी होते होंगे, बिजनेस ऑफ होता है, पूरे देश की प्रोडक्टिविटी घटती है, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं कहना, मुझे तो ये कहना है, हाँ इतनी सारी इच्छा क्यों हुई इतनी भयानक? क्योंकि एकत्व बुद्धि है। अब जिनकी एकत्व बुद्धि नहीं होती क्रिकेट में, वैसे कहा है ये कहीं ज्ञान देते तो घूम रही कहा मजा आते, जब 6-6 घंटा देख रहे वही मैच कहना है वहां चौका छक्का 2-4 तो चीजें ही होते, वो कहा होता मेरा नहीं समझ आती, अब जिसे रस होता है समझ गए मैंने क्या चीज समझाई बेटे, एकत्व बुद्धि
तोड़ने के लिए आपको सुख बुद्धि तोड़ो। अगर सुख नहीं मिलेगा आपको, ज्ञान नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा, चाहे हमारा भला नहीं दिखाई देगा, सुना भैया कोई खेलो, और हमें कोई दिक्कत नहीं, इच्छा रुकने लगेगी, फिर इतने मिसिंग नहीं होंगे पहले नंबर, जितनी जितनी इच्छा रुकेगी उतना उतना सुख होगा, और जब सारी इच्छा मिटेंगी तब पूरा सुख होगा, ये समझाना चाह रहे। अब जी हाँ, यहाँ पर वर्कशॉप होने की जरूरत है, प्रैक्टिकली बात करो आप हम मिलकर के कि आपको कौन सी इच्छा रोकना है, बोलो मुझे इतना अच्छा सूत्र मिला है कि मैं वर्ल्ड वाइड गारंटी देने तैयार हूँ, बोलो कौन सी इच्छा जीतना है, मैं इसकी तरफ से चैलेंज कर रहा हूँ, जिसे इच्छा जीतना है, जो लोग कहते ना पंडित जी प्रणाम गिरजात है, दे मिला के प्रणाम गिरजात लल्लू अरे तू समझना इसको, एक सरल दृष्टांत देता हूँ समझाने के लिए समझना, जो लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनल तो समझते हैं ना, इमोशनल तो किसी व्यक्ति को एक बढ़िया लेक्चर सुनने को मिला, इमोशनल वीडियो दिखाई, पिक्चर नरक की, ऐसी ऐसी समेत शिखर जी के पर्वत पर, पार्श्वनाथ की टोंक, अपन सब खड़े हुए, वहां माहौल बन गया एकदम, माहौल इमोशनल, देखो भाई यहाँ आयो तो जीवन में कुछ ना कुछ तो त्याग करके जाना चाहिए, इतना भावुक हो गए तो एक ही पत्नी ने कही आलू छोड़, ठीक है अब कचिन कचिन तो छोड़ो आलू छोड़, एक ने कैवेंडर निकाली हो सिगरेट, मैं समझ गया ये दो ही बार में जरूर पियेंगे, खाएंगे भी और पियेंगे भी, क्यों 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 खाएंगे पियेंगे दो ही, क्योंकि इन्होंने इमोशनल होकर छोड़ा है, इनकी सुख बुद्धि नहीं छूटी, मिथ्यात पे चोट नहीं करी इन्होंने, इनने तो ऐसा सोचे एनी वे एनी हाउ आई कान ईट, अब स्मोक नहीं करूंगा, देख लेना सब लोग ना आप करके, फिर भी थोड़े दिन तक तो पक्के, मैंने त्याग कर दिया, मैंने त्याग कर दिया, मैंने आलू छोड़ दिया, पार्श्वनाथ भगवान को दिया है चलो कोई बात नहीं, अब जैसे जैसे घर आए, जब तक माहौल था ना तब तक तो बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था, माहौल तक तो बड़ा खुश था, जैसे इसको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीता हूं इतना खुश, फिर घर आते थे दुकान के सामने चाट का ठेला और स्मेल, अब उसके दोस्तों से और क्या यार आज तो मजा, समझिए देख लीजिए वैसे, फिर अब थोड़े दिन बाद ये ठेला भी यही खड़ा होगा, भगवान तुमने आलू बना ही काय इधर ही दिखेंगे, तो ऐसे ऐसे बड़बड़ाएगा, फिर दी 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 कह, फिर इतने में कोई ने कहा देखो भाई ये परिणाम गिर गए प्रतिज्ञा तो टूट ही गई, सही बात है परिणाम गिर गए तो फिर खा ही लो, रोज रोज आकुलता करने से 24 घंटे कितने कर्म बंद हो रहे, जहां में तो 2 ही मिनट कर्म बंद होंगे खा लिया, समझ गए आप, ऐसी बीड़ी सिगरेट छोड़ने वाली मैं पहले स्मेल नाक से सूंघती फिर चलाती हट जाओ यहां से, हाँ यहाँ फिर दीजिए, फिर किसी ने कही भैया देखो इतने परिणाम, बात तो सही है चलो एक बार पी ले रहे, अब नहीं पियेंगे, बोलो पिया गई होता खराब, आपको मैंने दो दृष्टांत दे दी काय के दिए, पता है जब तक सुख बुद्धि का त्याग नहीं होता परिणाम नहीं रुकते, क्या बोला जब तक सुख बुद्धि, और आप इस पॉइंट को याद रखना बेटे, आपके परिणाम जब जब भी गिरते हैं किसी भी मामले में, जिस एज में आप गुजर रहे हैं आपके परिणाम, आप लड़ते हैं भयंकर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो नहीं लड़ता, यार ये परिणाम आते ही खूब लड़ते हैं अपन अपने परिणामों से, लेकिन वो गिरते हैं क्यों, कहीं ना कहीं अंदर से सुख बुद्धि बैठी है, जब तक तुम अपने को आत्मा स्थापित नहीं करोगे, देह से भिन्न नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे परिणामों में स्थिरता कहां से आएगी, अब समझ में आ गया आपको परिणाम रोकने का उपाय, आया समझ में आया, तो मिथ्यात्म में कितनी बातें ले लोगे, चार तरह की बुद्धि सुख बुद्धि में, चार एकत्व ममत्व कर्तव्य, अभी ईमानदारी से बोलो, अभी अपन इसको थोड़ी देर बंद करते हैं, अपन वर्कशॉप कर लें, सही बताना आप में से किसी भी चीज की
विकल्प को रोकने के लिए, इच्छा को रोकने के लिए, परिणाम सुधारने के लिए, कसा रोकने के लिए, क्या आप यहां से स्टार्ट करते हैं? इतना तो आप सोचते जी गलत है, तो आप में से बहुत सारे लोग यहां से सोचते हैं, अरे यार भगवान ने कही है आलू खाने वाला नरक जाएगा, नरक तो शुरू शुरू बच्चे को डर लगता है, नरक जाओ, वो नरक सुनते सुनते इतना पक्का हो जाता है नरक जाएंगे। अब जो हर गलती में नरक ही जाने नहीं समझेंगे, हमारे यहाँ पेटेंट वाक्य है बच्चों के लिए, चोरी करने वाला कहाँ जाता है, झूठ बोलने वाला, हिंसा करने वाला सब 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 नरक में जाते हैं, कुदील करने वाला रावण कहाँ गया नरक, मान कर अब जितने पाप तो करेगा एक हो जाएगा, जो गलती झंडी हो गए। हम फिर कह रहे बहुत मेहनत की बात है जी, सुख बुद्धि छूटे बिना, स्वयं को स्वयं पर को पर जाने बिना सुख बुद्धि नहीं छूटती। एक मिनट रुकने की इच्छा हो रही है, रुक जाऊं मतलब इस विषय को थोड़ा समझाओ, सुनोगे सभी लोग अच्छे बैठ जा रहे हैं, लिखना मिखना कोई को नहीं है, कॉपी पेन छोड़ दी ताकि अच्छे से सुन सको हमारी बात, क्योंकि आपकी घड़ी में टाइम हो जाएगा इसके बाद, और मेरा विषय इतना भी रुक जाएगा। आप चाहें यदि समय हो, परीक्षाएं समाप्त हो गई हो, तो इस प्रकरण को आप दो तीन बार भी पढ़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं इसके फिर आपको क्रीम पॉइंट पर अंडरलाइन कराऊंगा, जिनको आपको बहुत मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि मोक्ष जाने तक के लिए मैं एक बहुत सुंदर गिफ्ट दूंगा इसमें से आपको, मेरी हार्दिक भावना ये है, जिंदगी भर काम आएगा इस चैप्टर आपको, सुनिए आप। तो पहली बात तो बेटे सब लोग ध्यान से सुनना, तुम एक लड़का हो कि दो लड़का हो, मैंने दो हो कि एक हो, एक हो तुम, एक हो कि दो हो तुम, एक हो कि दो, लड़का नहीं, लड़का नहीं, एक लड़का तो मेरे मुंह से गलत निकल गया था इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए, तुम एक हो कि दो हो, एक है, चलो ऐसे तुम, तुम्हारा उत्तर भी यही, सब एक एक बैठे हो ना। अब देखो जब तक ये हमें डिफरेंस नहीं समझ आएगा कि हम दो बैठे हैं, एक जीव और एक शरीर, जीव और अजीव कह दो, शॉर्ट में कहो तो जीव और अजीव कह दो, जब तक आपको ये दो नहीं लगेंगे हम दो बैठे हैं, तब तक आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आएगा। क्यों? आप सुख का उपाय नहीं कर रहे हो, आप सुविधा का उपाय कर रहे हो। जैन दर्शन में सुख और सुविधा में जमीन आसमान का अंतर है, सुख सुविधाएं मिलती है शरीर को और सुख मिलता है आत्मा को। मिथ्या दृष्टि को सुविधा मिलती है शरीर को और दुख मिलता है आत्मा को। नहीं समझ आया कुछ? फिर से बोलता हूं, सुविधा और सुख के डिफरेंस है। दिगंबर मुनिराजों के बारे में आप देखिए गौर से, वे सुखी हैं लेकिन सुविधा नहीं है। पारसनाथ भगवान पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, उनके पास सुविधा नहीं थी, कोई असिस्ट करने वाला नहीं था, हेल्प करने वाला नहीं था, जो हो रहा था हो ही रहा था, लेकिन वे सुखी पूरे थे। 13 महीना 9 दिन तक आहार की चर्या नहीं मिली, नहीं बन पाए आदिनाथ भगवान को, सुविधा नहीं थी लेकिन सुखी पूरे थे। केस लॉन्च करते समय उन्हें नाई की सुविधा नहीं है, केस लॉन्च कर रहे हैं लेकिन सुखी पूरे थे। अंजना और सीता जंगल में थी लेकिन वो आत्मा को देख देख करके सुखी थी, सुविधा नहीं थी। अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया आपको, मुझे अब इससे आगे कुछ कहना है। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। तुम सुखी तो होना चाहते हो, पूरा वर्ल्ड सुखी होना चाहते हो, 3 भुवन में वो क्या हो, जिससे सुख चाहे, जे त्रिभुवन में जीवनंत और सुख चाहे, सारा जगत काय का उपाय कर रहे हैं। टोडमल जी सामने लिखा है, चीटी से लेकर एक एंडी सब हम काय का उपाय कर रहे हैं, तो फिर सुखी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सुख का उपाय नहीं कर रहा। अब इसमें क्या लिखा था, तू जो उपाय करता है वो झूठे बतलाए, तो ऐसा है कि नहीं? हम पूछ ले रहे हैं आपसे, तुम झूठे उपाय करते हो सुखी होने के लिए, सच्चे कि पहले तुम सुख को जानते ही नहीं हो, तुम सुविधा को सुख जानते हो और सुविधाएं मिलती हैं। अघातिया कर्म के उदय में साता साता है ना, अघातिया कर्म के उदय में साता साता पुण्य पाप है कि नहीं?
तो उसके उदय में सामग्री किसको मिलती है? बताओ किसको मिलती है? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, बोलो किसको मिल रही सामग्री? अब मैं कहता हूं, लेकिन आप इसमें पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आत्मा पुण्य के उदय, इसमें लिखा है सब पढ़ना, साता वेदनी के उदय में जीत कैसे दुखी होता है, इसी में लिखा है, साता वेदनी के उदय में भी परमार्थ से ये जीव दुखी ही है, लेकिन मोह से सुख मानता है, ऐसा लिखा है। कौन बोलेगा बच्चों में से? बहुत प्यारा बात बोला है मैंने, कौन बोलेगा? कितने लोगों ने सुना है इस बात को ध्यान से? साता वेदनी के उदय में स्वर्ग आदि पा करके भी यह जीव परमार्थ से दुखी ही होता है, मोह से सुख मानता है। पढ़ लेना, पढ़ के आओगे तो मन मिलेगा आपको, मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, क्योंकि आपको बहुत काम का चैप्टर है। कौन बोलेगा बेटे? आप बोलोगे? कोई बोलो बोलो, ट्राई करो। हाँ शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, अब तो बोल नहीं पाए, भाव तो शायद समझ गए तुम, लेकिन शब्द नहीं आ पाए। बोल बेटे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे बोलवाऊंगा, याद जाना चाहिए बात। हाँ हाँ, हाँ वेरी गुड, अच्छा भाव बदल गए, थोड़ा शब्द बदल गए, भाव आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ बैठो, शाबाश, बोलो। दुख ही है हाँ, परंतु ये मोह से सुख मानता है, ऐसा लिखा है। फिर जाइए प्रवचन सार जी में भी मिलेगा आपको ये बात, प्रवचन सार जी में भी लिखे, इंद्रिय सुख दुख ही है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, आप पढ़ के भी आएंगे तो बहुत मजा आएगा। चलो वापस, तो अब फिर से ये सुखी होने के नाम पर भी झूठे उपाय करता है। छोटा मंजिल लिखा ना, अभी पढ़ के सुनाया था आपको, झूठे उपाय करता है, माने सुविधा के उपाय करता है। तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए ना हो और 1 करोड़ रुपए मिल जाए, एट एनी कास्ट, लड़के झगड़ के मर के खा के मार के हत्या करके, तो ये आदमी इतना खुश होता है, वाह मजा आ गया। जितनी लड़ाइयां हुई ना, महाराणा प्रताप युद्ध वगैरह जैसा, कहां गए भैया, कहां गए चक्री, कहां गए वे कैसे भयंकर भयंकर युद्ध हुए कौरव पांडव के, बेचारे कहां चले गए, अपने अपने स्थान पे चले गए, लेकिन काहे में खुश हो रहा है। मुझे पुण्य पाप एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, पहले भी दिया है मैंने आपके बीच में, फिर दे रहा हूं, जल्दी याद हो जाएगा आपको, ऐसे नहीं बैठना, हाँ ध्यान से सुनना बिल्कुल, एक ही दृष्टांत। पुण्य पाप का उदय का अंतर बोलूं, पुण्य के उदय में कैसा सुख होता है, सुनना है? सुनो, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, क्या रहा है, तो दूसरा मित्र पीछे बैठा था, तो उसने कहा यार मुझे चलाना है, अच्छा तू आगे आ जा, वो पीछे लगे जी आगे आ गया, और 2 मिनट भी नहीं हुए चौराहा आ गया, तो वहां खड़ी थी स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस स्क्वाड खड़ी थी वहां, उसने खड़ी उतार के, दोनों के ऊपर भी नहीं थे हेलमेट, तो आगे वाले में 10 पड़े और पीछे वाले में 2 पड़े, पुण्य का होता किसका? बोलो भाई, पुण्य का होता किसका? शायद पुण्य का उदय, 2 पड़े पड़े ऐसे 2 है जी, कोई ऐसा सुख लगता है, खबर नहीं पड़ती कुछ। ऐसी मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी इससे दृष्टांत है, दृष्टांत झूठा है, तुम दोनों झगड़ा हो जाओ, खूब जूता चप्पल जे वो सब खूब हुए, फिर बाद में भाई साहब के पास केस गया, बोला है तुम्हें को 10,000 रुपए दो, तो आप ये लो 10,000, लेकिन तेरे जूते चप्पल पड़े जाको कावा। वो 10,000 लेके ऐसे खुश होता है, 10,000 ढोर में 10,000 तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जो पीड़ा उठाई थी तुमने 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, और फिर जो ऐसी ऐसी चल रही है, और फिर कदापि ये कसाय आगे आगे बढ़ती चली जाएगी तेरी इच्छा की, उसका क्या होगा? सुनो, एक ही उपाय है, सुख बुद्धि छूटनी चाहिए। सुख बुद्धि के लिए अपने 4 पॉइंट लिए, कौन कौन से सबको याद हो गए होंगे? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि,
अभी देखो बेटे, ये चैप्टर पढ़ाने में तो मुझे साल दो साल चाहिए, लेकिन आप एनालिसिस कर सकते हो। अभी मैंने मिथ्या संबंध लिया है, अज्ञान और असंयम की पीड़ा, और देखो आप अज्ञान से इच्छा होती है, असंयम की इच्छा होती है, असंयम से इच्छा होती है। यदि इतना समय मिलेगा तो बहुत लंबा प्रैक्टिकल खींचना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप विद्वान हैं इसलिए आप इसको समझना कि तुझे पैसा नहीं रुला रहा है, तुझे पत्नी नहीं रुला रही, तुझे बच्चे नहीं रुला रहे हैं, तेरा मिथ्या तो रुला रहा है। आज भी हम यही कहेंगे, इससे परेशान हूँ, संयोग से परेशान हूँ, कर्मों के उदय से परेशान हूँ, दुनिया से परेशान हूँ, मैं क्या बताऊं, मैं सबसे परेशान हूँ। ना ना, तू केवल कौन से परेशान है, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये भी एक मिथ्यात्व है कि मैं सबसे परेशान हूँ। जल्दी बोले क्या कहा? हाँ, ये भी एक मिथ्यात्व है कि मैं सबसे परेशान हूँ। आचार्य देव कह रहे एक जीव दूसरे जीव से दुखी नहीं, वर्ल्ड के सारे जीव मिलकर तुम्हारे दुख का कारण नहीं, सारे कर्म का उदय मिलकर तुम्हारे दुख का कारण नहीं, विश्व में कोई भी तुम्हारा दुख का कारण नहीं है, यस अपयस भी दुख का कारण नहीं है। बोलो भूले आपे को, कौन कौन से पॉइंट हो गए, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। हालांकि इसको लेक्चरबाजी नहीं समझने बेटे, मैंने इसलिए नहीं सुना है कि आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे तो अचानक विकल्प आया था, मैं रिसर्च चलाती हूँ, अपन सबके काम आएगा, सचमुच काम आएगा। इस एंगल से पढ़ना, क्लास के लिए नहीं पढ़ाया, पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम भी ये ना सोचें भूख मिटाने का उपाय रोटी, नहीं भैया एक ही उपाय है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, इंसल्ट कर दी किसी ने उसको, उसको पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन। देखो बेटे टाइम हो गया, मैंने भी देख लिया घड़ी में, लेकिन हृदय की बात रुक नहीं रही, एक लाइन कह के पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बेटे आज के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत तूफान आएंगे, यश के अपयश के, गरीबी अमीरी, लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, पत्नी बच्चे जे वो, हो सके तो आज से तैयारी करो कि हर चीज का सामना हम इसी से करेंगे, हम उनको दुख का कारण नहीं मानेंगे, हम मिथ्यात्व को, अज्ञान को, असहियों को दुख का कारण मानेंगे। दृष्टांत तो मैं अभी भी दे सकता हूं, एक लड़की मर गई, तुम रोगे कि नहीं रोगे, बोलो एक लड़की मर गई रोगे कि नहीं रोगे, हम कहा गुरु, लेकिन तुम्हारी सगाई हो गई और फिर मर गई, ओ क्या होगा पंडित जी, जैसे तैसे तो भाई बहुत अच्छी थी, बहुत क्विट, क्या कहते क्विट, ऐसी थी, कितना चाहती थी, फोन पे रात को तीन तीन बजे तक बर्रात थी, चैटिंग नहीं नहीं, जो जो जिसके जिसका हिसाब जैसा मिला हो, पंडित जी अब जी कर क्या करेंगे। वाह रे वाह, अभी सगाई हुई थी, शादी तो नहीं हुई थी, पहले मर जाती लड़की सगाई, पहले तो कोई मतलब नहीं, तो सगाई पास मर गई तो तुम्हारा कहा ले गई, मजाक कहा ले गई किसी ने, लेकिन वो लेकिन लेकिन एकत्र की पीड़ा, ममत की पीड़ा, तुमसे सगाई हो और फिर किसी और के संग शादी हो जाए, जब जब वो मिले वो दुष्ट। ये क्या है एकत्र, हाँ बोलो, ममत कर्तत्व, सुनो सुनो, आत्मा को आत्मा जाने बिना ये चार बुद्धि नहीं मिटेगी, सुख बुद्धि नहीं मिटेगी, तुम्हारी इच्छा। हाँ भैया, इच्छा मिटाने का उपाय बताया है या इच्छा रोकने का उपाय बताया है, मिटाने का उपाय बताया। चलिए ओम नमः शिवाय।